हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है आरआरबी मेडिकल के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल में इसमें देखेंगे। जब एलपी का मेडिकल मेरा हुआ था तो उसमें क्या क्या चेकअप हुआ था और कैसे कैसे प्रोसीजर था, उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का वीडियो बना दिया है, तो उसमें भी मैंने बताया कि जो है कि पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कैसे हुआ था। और वहाँ से हमको जो है एक लिफाफा बंद जो है उसमें फ़ाइल मिली हुई थी, मतलब एक लिफाफे में पैक करके दिया गया था कि वो आपको ले जाना है जहाँ पर आपके लिए मेडिकल अलाट हुआ है, वहाँ आप जाते और वहाँ पर वो लिफाफा दे देते, उसके बाद से मेडिकल का प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता। ठीक है, तो मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया था बनारस। ठीक, तो मैं हर एक स्टेप को धीरे धीरे से बताऊँगा। ठीक है, हम लोग को एक इन्वेलप मिला हुआ था। ठीक है, तो वो इन्वेलप ले करके जो है हम लोग गए थे बनारस। ठीक है, हम लोग को बनारस भेजा गया था, कई लोगों को जो है लखनऊ भी भेजा गया था, उसके बाद से इज्जत नगर भी मेडिकल हो रहा था और गोरखपुर में भी मेडिकल हो रहा था। ठीक, तो 40-40 लोगों का ग्रुप जो है वो भेज रहे थे, 40 लोगों को बनारस भेज रहे थे, फिर 40 लोग लखनऊ, फिर ऐसे इज्जत नगर और गोरखपुर में 40 लोगों का हो रहा था ऐसे करके। ठीक, तो हम लोग जब बनारस अगली सुबह पहुँचे 9 बजे तक, वहाँ रिपोर्ट करना था 9-10 बजे तक, तो वो लिफाफा जो है सभी 40 लोग ले जा करके वहाँ पर बैठे रहे। और 10 बजे जो है स्टाफ आया और दो स्टाफ आए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि जो है कि 40 लोगों का जो ग्रुप था उसको 20-20 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1-20 के ग्रुप को जो है एक स्टाफ वहाँ पे लीड कर रहा था। देखिए, जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये अलग अलग जहाँ जहाँ मेडिकल हो रहा था उनका अपना अलग अलग तरीके से मेडिकल कराने का प्रोसीजर था, ऐसा नहीं है कि हर जगह 20-20 का ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा था। ठीक, तो वहाँ पर जो है मेडिकल लेने के लिए, मतलब आसानी हो, सहूलियत के लिए उन लोगों ने 20-20 का ग्रुप बना दिया और एक ग्रुप को जो है एक स्टाफ लीड कर रहा था और 1-20 के ग्रुप को जो है एक स्टाफ लीड कर रहा था। ठीक, अब उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है लिफाफे अपने अपने जो है अपने जो लीड जो स्टाफ कर रहा था उसको अपने दे दिया और वो लिफाफा चेक कर रहे थे। सबसे पहले आपके लिफाफे में मुहर होनी चाहिए, ठीक, और वो चिपका होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, गोरखपुर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर एकाध स्टूडेंट का जो क्या हुआ था कि लिफाफा में जो है मुहर गोरखपुर का वो नहीं लग पाया था, तो उनको फिर से भेज दिया गया कि जाइए गोरखपुर से जो है उस पर मुहर लगा के लाइए। तो यहाँ से जाने से पहले जो है आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके लिफाफे पर जो है मुहर लगी होनी चाहिए यहाँ पे और साइन भी होना चाहिए। तो गलती से छूट गया होगा, उन लोगों को फिर से भेजा गया था, तो ऐसे परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको, तो इसका ध्यान आप दे दीजिएगा। तो वहाँ पे हम लोगों को 20-20 लोगों का ग्रुप बना के एक एक लोग को लीड करने के लिए दे दिया गया। सबसे पहले जो है मेडिकल जब करने के लिए आपको भेजा गया था तो इस लिफाफे में जो कागज़ था उसमें एक फ़ोटो रहेगी और फोटो के साथ जो है उसमें दो आपके कट मार्क के पहचान दिए रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जो है आपसे वो लिखवा लिए जाते हैं, वही जो है लिफाफे में भर दिया जाता है अंदर करके। तो हुआ क्या कि जो कट मार्क्स वहाँ होते हैं वहाँ हो सकता है वो चेक कर लें आपकी पहचान के लिए सिर्फ, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसमें जो है जो कट मार्क्स लिखा था वो कैसा वैसा जो है कोई चेक नहीं कर रहा था वैसे। ठीक, तो उसके बाद से जो है पहले ही लिफाफे में मेंशन था कि जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आप खाली पेट जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे खाली पेट सभी लोग गए हुए थे जनरली। ठीक, तो हुआ कि सबसे पहले जो है क्या चेकअप हुआ, सबसे पहले हम लोगों को ब्लड सैंपल दिया गया। ठीक है, ब्लड सैंपल हम लोगों को देना था, तो ब्लड चेक हुआ जो खाली पेट, मतलब खाली पेट एक ब्लड सैंपल हुआ। फिर उसके बाद से कहा गया कि जाइए आप जो है कुछ खा करके आइए, जो फ्रूट्स खा लीजिए या फिर जो नाश्ता करना है करके आइए। तो हम लोग खाना खा लिए या फिर नाश्ता जो भी करना था जिनको, ठीक है। तो उसके बाद से जो है आधे घंटे बाद दोबारा ब्लड सैंपल लिया गया, एक खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद। फिर उसके बाद से वहीं पर हमको यूरिन सैंपल हम लोग को देना था, ठीक है। तो यूरिन सैंपल भी हम लोगों ने, ये तीनों काम जो है तुरंत तुरंत हो गए, मतलब पहला खाना खाने से पहले ब्लड, दूसरा खाना खाने के बाद, और यूरिन सैंपल जो है एक ही लैब में यूरिन सैंपल, ये सब चीज़ है, ठीक है, उनको दे दिया गया। फिर उसके बाद से जो भेजा गया कि ईसीजी को, ईसीजी कराने के लिए, तो ईसीजी वाले रूम में हम लोग गए और बारी बारी से सबका जो है ईसीजी हो गया। तो जो हार्ट बीट जो है चेक किया जाता है उसमें, दरअसल क्या होता है कि जाहिर सी बात है आपका मेडिकल पहली बार ऐसा हो रहा है तो एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन में रहते हैं तो हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ईसीजी अगर एक आध बार गलत भी आएगा तो लोग जो है कई बार एक आध उसको रिजेक्ट करके फिर दूसरा दोबारा भी ईसीजी ले लेते हैं, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है किसी की हार्ट बीट मतलब टेंशन की वजह से वो जो है हार्ट बीट बढ़ भी सकती है, लेकिन वो लोग जो है बहुत फ्रेंडली थे तो उन्होंने जो है जिनका ऐसा हो रहा था तो दोबारा तिबारा भी ईसीजी वो कर ले रहे थे, इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि ईसीजी में छांटा जाए। ठीक, उसके बाद से फोर्थ नंबर ईसीजी हो गया, फिर फाइव नंबर में उन लोगों ने एक्सरे के लिए बोला। ठीक, अब वहाँ से हम लोग जो है एक्सरे वाले रूम में गए, वहाँ पे जो है अपर बॉडी का जो है एक्सरे हुआ और वो लोग सब सैंपल अपने पास रख रहे थे, आपको कोई भी चीज़ कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सारा सैंपल उन लोगों के पास था, बस आपको अलग अलग रूम में जहाँ वो लोग भेज रहे थे वहाँ आपको जाना था। ठीक है,
तो एक्सरे हो गए। एक्सरे के बाद जो है 6 नंबर पे डार्क रूम में, ठीक है, डार्क रूम में क्या हुआ कि उसमें आपको डिस्टेंस के लिए उसमें चेकअप हो रहा था। जैसे मान लीजिए एक अंधेरा कमरा था, अंधेरा नहीं था जैसे, मतलब उसमें लाइट नहीं थी, लेकिन चारों तरफ की जो दीवारें थी ब्लैक पेंटेड थी, ठीक है, तो ब्लैक कलर से वो पेंट हो गया हुआ था। और उसमें आपको एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाना था, ठीक है, और वहाँ पे एक लोग मतलब स्टाफ का ही आदमी था, वो क्या कर रहा था, आपके एक आँख को जो है बंद कर रहा था, और दूसरी तरफ जो है एक डॉक्टर थे, उन्होंने जो है कटा हुआ सी जो है वो हर एक साइज़ का, मतलब आप देखे ही होंगे, ठीक है, वो पढ़वा रहे थे कि किधर उसका मुंह खुला हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो कट वाला सी है वो ऐसा नहीं था कि जो सिंपली जो है एक लाइन में लिखा रहता, ऐसा नहीं था, सिंपल एक उस साइज़ का एक सी था, और वो पीछे से घुमा भी दिया जा रहा था, ऐसा बात नहीं, एक ही सी को जो है वो बार बार घुमा दे रहे थे और पूछ रहे थे जो है कि वो कटा है कि नहीं, किधर मतलब कटा हुआ है इससे है। तो सी का अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक चार्ट था, ऐसे एक पे बड़ा सी लिखा हुआ था, इससे थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, और सबको पीछे से घुमाया भी जा सकता था। तो सबसे नीचे वाला जो 6x6 आपका चेकअप हो रहा है ना, 6x6 के लिए सबसे नीचे वाले को जो है क्या कर रहे थे, पीछे से हाथ से ढक करके वो कभी नीचे कर दे रहे थे, कभी लिफ्ट में कर दे रहे थे। तो इसलिए इससे क्या है कि आप रट नहीं सकते। कई लोग क्या होता है, एक फिक्स्ड सी वाला पिक्चर होती थी तो वो लोग रट लेते थे, पहले में नीचे है, दाएँ है, फिर ऊपर है, फिर बाएँ है, ऐसे करके रट लेते थे। तो ऐसा रट नहीं पाएंगे आप, वो एट रैंडमली एक ही था, वो पीछे से घूम जाता था और वो लोग जो है घुमा घुमा के पूछ ले रहे थे कि किधर कटा हुआ है, तो आप इसमें रट नहीं सकते। तो इस तरह से उससे डार्क रूम में हुआ। फिर उसके बाद से जो है वहीं पे आपका कलर टेस्ट भी हो गया, मतलब एक हल्की सी लेजर लाइट की तरह थी और उसमें तीनों कलर आपको दिखाई दे रहे, कभी पीला कलर जला के दिखाया जा रहा था तो पहचानना था कि येलो है, फिर रेड कलर लाइट उसमें से आ रही थी तो आपको बताना था रेड है या ग्रीन आ रही थी, ग्रीन आ रहे थे, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस को मैं स्ट्रिक्टली बता देता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस को बिल्कुल जो है इसमें नहीं जाना चाहिए जिनका कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की जॉब है और सेफ्टी को मैं ध्यान में रखते हुए ये जॉब आपको, मतलब ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि आपको, आप कलर ब्लाइंडनेस हैं और आपको आज जो है मेडिकल क्लियर हो जाए। तो कलर ब्लाइंडनेस जो लोग हैं वो तो फॉर्म ही नावर हैं एलपी का खास करके, ठीक है। तो ये चेकअप दोनों वहाँ पे हो गया डार्क रूम में। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि आपको नियर विजन के लिए, ठीक है, दूसरे मतलब रूम में जहाँ पे लाइट प्रॉपर थी, ठीक है, तो नियर विजन के लिए एक बुक थी, बुक में जो है हर एक साइज के जो है छोटे बड़े में कुछ लाइनें लिखी हुई थी। तो सबसे नीचे वाला जो उन्होंने जो लाइन थी वो आपको जो है उनके सामने जो बस पढ़ देना था बोल के, तो आपका नियर विजन का टेस्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे नियर विजन का ऐसे टेस्ट हुआ और वहीं पे हम लोग का जो है बीपी ब्लड प्रेशर चेक हो गया, ठीक, ब्लड प्रेशर का चेक भी वहीं पे हो गया। उसके बाद से जो क्या हुआ कि हाइड्रोसील और पाइल्स का जो चेकिंग होता है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अलग अलग डिवीज़न में जो है अलग अलग तरीके से इसका चेकिंग हो रहा था, कहीं सीटअप लगा के, तो हम लोग सीटअप लगा के जनरली चेकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं था। लेकिन अगर किसी को इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से इलाज करवा के आइए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी तो है नहीं, ठीक है। तो ये दोबारा मेडिकल के लिए अगर मौका दे भी देते हैं तो आपके लिए ही दिक्कत होगा, क्योंकि दोबारा मेडिकल पता नहीं कब होता है कब नहीं होता है, और आप अकेले रह जाएंगे कैसे पता करेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज पहले से करा के आइए। अगर आपने इलाज कराया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई छटनी नहीं होती है, ठीक है। तो हाइड्रोसील और पाइल्स का जैसी बीमारी होगी वो इलाज करा लेंगे। फिर उसके बाद से क्या हुआ था कि सबसे जो लास्ट में था कि मेन जो डॉक्टर थे वहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो भी 6x6 का चेकअप कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे 6x6 का सिंपली वो जो है एक चश्मा पहना देते हैं और उसमें एक आँख को बंद करके दूसरी तरफ जो है वो सैंपल में आपको पढ़ के बताना था, ठीक है। सी कटा हुआ दे रहे थे, कभी हिंदी में लिखा हुआ दे रहे थे, कभी ABCD का जो सैंपल है वो दिखा दे रहे थे, तो जो जैसा लड़का जा रहा था वो बदल दे रहे थे बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी वाला ही सबसे चेक कर रहे हैं या फिर हिंदी में पढ़वा रहे हैं लास्ट लाइनें क्या लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं था। कभी हिंदी में किसी लड़के से पढ़वा लिया फिर वो निकल के आ रहा था, फिर दूसरा गया तो उसको सी कटा सी वाला, क्योंकि वो चौकोर तरह का होता है आपने देखा होगा, ठीक है, जो बॉक्स होता है उसमें लाइटें जलती रहती हैं और उसको जैसे जैसे रोटेट कर देंगे बॉक्स को तो किसी साइड पे उसके लिखा हो, फेस पे लिखा होगा सी वाला, किसी पे ABCD कर्म के जो है लिखा रहता है। तो अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग ऐसे वेरिएबल करके पूछ ले रहे थे। अब उसके बाद से क्या हुआ, सबसे लास्ट स्टेप में क्या था कि वो आपके आँख में जो है एक दवा थी, ठीक है, उसको 2 ड्रॉप दोनों आँख में डाल रहे थे और वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर रखा रहता है, जनरली आप देखे होंगे, तो
उससे जो है चेकअप कर रहे थे कि कोई ऑपरेशन का केस तो नहीं है, मतलब ऑपरेशन तो आपने नहीं कराया या फिर लेजर जो भी चीज़ें हैं तो उसमें पकड़ में आ जाती है। होता क्या है कि उसमें जो थोड़ा सा आपका आँखें हैं थोड़ा सा फूल जाती हैं, और वो सिर्फ ऐसा उन्हीं को पता चल पाता है, आपको जनरली नहीं पता चलेगा। हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि आप जो दवा डालने के बाद है कुछ समय के लिए आपको ब्लर दिखाई देगा, तो उसके बाद से कोई 6x6 का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसीलिए सबसे लास्ट में कराया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है आपके आँखों से थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, ये सबसे लास्ट प्रोसीजर रहता है। तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा और उसमें वो सबको बारी बारी से बिठा के देख लेते हैं कि इनका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सबसे लास्ट प्रोसीजर था मेडिकल का। फिर उसके बाद से अब मैं कुछ चीज़ों और पॉइंट को लेकर के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है कि कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे। ये पूछा जा रहा है कि नॉक नी टेस्ट, ठीक है, तो नॉक नी का टेस्ट जो है कई कई जगह हो रहा था कई जगह नहीं हो रहा था, मेरा तो नॉक नी का टेस्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई टैटू बनवाया हो शरीर पे, ठीक है, तो टैटू बनवाया तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है टैटू, वैसे ये सब चेक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद से जो है कि अगर मान लीजिए किसी आपके बॉडी पार्ट का कोई फ्रैक्चर हुआ, जैसे हाथ ही कभी फ्रैक्चर हुआ कभी फ़िलहाल वो बहुत पहले, और वो ठीक हो गया है, ठीक है, वो पकड़ में नहीं आता, ऐसा नहीं है कि एकदम आप कोई पैर फ्रैक्चर हो गया और आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो थोड़ा सा अनफिट, वो तो अनफिट कर देंगे, लेकिन नॉर्मली पहले कभी फ्रैक्चर हुआ तो वो मेडिकल होने के बाद जो अगर सही हो गया तो उसको जो है वो चेक नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद से जो सवाल आ रहा है कि हाइट चेक, ठीक है, कि मतलब क्या हाइट भी मेजर किया जा रहा है, तो हाइट ये भी नहीं मेजर किया गया था मेरा। उसके बाद पूछ रहे थे कई लोग जो है वेट भी चेक होता है क्या, ठीक है, तो वेट नहीं चेक होता है, कोई भी वजन मेरा नहीं तौला गया था। उसके बाद से कई लोग पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए कुछ लोग गुटखा सेवन करते हैं जो भी है, मतलब जिनका दांत ख़राब है या फिर ऐसे जो गुटखा खाते हैं, तो दांत का चेकअप हुआ था क्या, मतलब टीथ चेकअप, तो ऐसा टीथ भी नहीं मेरा चेकअप हुआ था। तो ये सब सवाल थे कुछ कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था, तो उसका यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, ये सब चीज़ें जो है चेक नहीं हुआ था। देखिए वो ज़्यादातर जो है आपके मतलब विजन टेस्ट को लेकर के थोड़ा सीरियस होते हैं, बाकी सारे टेस्ट जो है आपके नॉर्मल होंगे, किसी में भी वो अनफिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट RRB मेडिकल, मतलब जो LP का मेडिकल हुआ था, ठीक है, उसी तरह से NTPC और ग्रुप डी का भी मेडिकल इसी के इर्द गिर्द होता है, बस आपके विजन टेस्ट में को लेकर के थोड़ा सा रियायत होती है, कहीं 6x9 की रिक्वायरमेंट होती है तो 6x9 चेक किया जाता है, 6x12 की रिक्वायरमेंट होती है 6x12 चेक किया जाएगा, बस बाकी सारे मेडिकल जो है आपको देने होंगे, ठीक है, और आपको फिट भी रहना पड़ेगा। जो कुछ बीमारियां हैं जो मतलब सही हो सकती हैं उसके लिए रीमेडिकल वो लोग भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ECG मान लीजिए बार बार आपका गड़बड़ आ रहा है, तो वो लोग जो है बनारस में तो क्या हो रहा था कि BHU में भेज दे रहे थे कि वहाँ पर जाइए और फिर से उसको चेक करा के आइए, ठीक है, तो वहाँ भी भेजा जा रहा था, एक्सरे में किसी गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन जनरली जो है इन दोनों में गड़बड़ी आ नहीं रही थी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, thestudent.study नाम से जो है इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन बताइए, लाइक करिए वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।